नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ राजा जी नेशनल पार्क के झिलमिल झील कॉन्जर्व रिजर्व एरिया में, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस एरिया है और झिलमिल झील के नाम से भी फेमस है। ये राजा जी नेशनल पार्क में ही है और हरिद्वार से ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए अगर दिल्ली गुड़गांव से आ रहे हो तो पहले हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार आना पड़ेगा। तो हरिद्वार से आप राजा जी नेशनल पार्क आइए। राजा जी नेशनल पार्क में एंट्री करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर थोड़ा सा आगे झिलमिल झील का कंजर्व रिज़र्व का एरिया आता है, एक स्पेसिफिक अलग से एरिया है। हम काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे थे तो अब थोड़ी भूख लगी है, तो हमने रास्ते में ही एक ढाबे पर रुक कर, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल चूल्हे के ऊपर खाना पक रहा है, चूल्हे के ऊपर पका हुआ खाना खाया है, बहुत ही संतुष्टि मिली। बिल्कुल देसी खाना है और खाने में भी बिल्कुल देसी स्वाद है। ये हमारे ग्रुप के साथ के हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ। ये हमारे दूसरे फ्रेंड हैं जो हमारे ग्रुप में साथ ही, हम सब इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज हम सब मिलकर जाने वाले हैं झिलमिल झील राजा जी नेशनल पार्क में। तो हमने दोबारा से खाना खाने के बाद अपना सफ़र शुरू किया हुआ है और ऑलमोस्ट अभी भी यहाँ से हमारा रास्ता 6-7 किलोमीटर का भी बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम झिलमिल झील में एंटर कर जाएंगे। राजा जी नेशनल पार्क बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है जिसको कई हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक अलग अलग रेंज बनाई हुई है। कहीं पे आपको लेपर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको टाइगर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको एलिफेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको डियर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये देखिए हमने ऑलमोस्ट रास्ता पहुँच गए हैं वहाँ पर। ये उसका मेन डोर बना हुआ है, हालाँकि ये अभी एरिए का मेन गेट बना हुआ है। अभी झिलमिल झील का मेन गेट, एंट्रेंस गेट काफ़ी आगे है। ये हमने ऑन रोड, जो हरिद्वार का ऑन रोड रास्ता पड़ता है, वहाँ से हमने इसके एंट्रेंस में एंट्री की है। तो मैं आपको बता रही थी कि राजा जी नेशनल पार्क बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जिसको कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने चीला रेंज का भी सफारी की थी, हम इसका मोतीचूर रेंज भी है, उसी तरह झिलमिल झील का भी एक एरिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है, वहाँ के भी आप सफारी कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको सारी जानवर देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये फेमस है, एक्सक्लूसिवली ये स्वाम्प डियर के लिए फेमस है, जो बहुत ही कम स्पीशीज उसके बच्चे हैं वो वहाँ पे झिलमिल झील में आपको देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लेपर्ड और अमेजिंग नेचर के व्यूज़ देखने को मिल ही जाते हैं। देखिए हमने मेन गेट ऑन रोड से एंट्री की थी, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक एंट्रेंस गेट आता है। यहाँ पे पूरा ऑफिशियल वो बना हुआ है, सारे ऑफिस बने हुए हैं, जो फॉरेस्ट को फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिस हैं या उनके अपने ऑफिस बने हुए हैं। यह पूरा एरिया है जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी होते हैं वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर हम इन लोगों से मिलकर अब आगे सफ़र तय करेंगे। आगे यहाँ पर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर और दूर है, जहाँ से फिर झिलमिल झील का मेन एरिया शुरू हो जाता है। तो अभी हम 2 मिनट रुक के यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, जो भी इनको बताना होता है, लिखवाना होता है, आपको जो भी एंट्री करवानी होती है आप करवाइए, उसके बाद आप आगे निकल सकते हैं। तो ये मैं आसपास का आपको व्यू दिखा रही हूँ, कितना सुंदर है। ऑलमोस्ट आप बिल्कुल जंगल के बीच में हैं, बिकॉज़ मैंने आपको बताया राजा जी नेशनल पार्क कितना बड़ा जंगल है, कितना बड़ा है। तो ऑलमोस्ट उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पर आज हम सफारी करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे का मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ से हम निकल चुके हैं, ये पूरा फॉरेस्ट गार्ड के उनके हाउस बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, उनके रहने की जगह बनी हुई है, और साथ साथ में वो अपना यहीं से पूरे जंगल का निरीक्षण भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये पूरा जंगल हम जब अंदर आ गए 2-3 किलोमीटर, तो ये मेन जो बाड़ा बना हुआ, बाउंड्री बनी हुई है, ये फाइनल जंगल के अंदर की बाउंड्री है। यहाँ पर भी गेट लगा हुआ है, गेट पर एंटर करने के बाद ये फाइनली झिलमिल झील का आपका एरिया शुरू हो जाता है। तो ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है, और ये खास करके मैं आपको बता देती हूँ फेमस है। यहाँ पे आपको टाइगर देखने को मिल जाते हैं, लेपर्ड यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, स्वाम्प डियर की यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, एलिफेंट्स आपको बल्क में यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके अलावा मंकी और हाइना भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो झील का एरिया है उसके आसपास कभी कभी आपको क्रोकोडाइल भी देखने को मिल सकते हैं, बट दैट्स टोटली ऑन आवर लक, ये सीज़न के हिसाब से बाहर आते हैं, अपने मूड के हिसाब से अंदर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स की भी बहुत अच्छी अच्छी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको किसी न किसी बर्ड की चर्पिंग की आवाज़ सुनाई दे देगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बर्ड्स की ही चर्पिंग सुनने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन रॉलर, पी फाउल, बुलबुल, टेलर बर्ड, किंग फिशर, गीज, सन बर्ड, हॉर्नबिल, इस तरह के कई तरह की बर्ड्स की वैरायटी, बर्ड की स्पीशीज भी आपको देखने को भी मिलती हैं और उनकी आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं। ये पूरा रास्ता जैसे जैसे आप कवर करते जाओगे, आपको बहुत प्यारे प्यारे रास्ते में व्यू भी देखने को मिलते हैं।
और साथ साथ में उनकी आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के उनकी वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, फोटोग्राफी भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा स्पेस मिलता है आपको जहाँ पे आप सेफ फील करते हो तो आप उनकी फोटोग्राफी भी कर सकते हो। अदरवाइज जंगल में उतरना मना होता है क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं है। गाड़ी में बैठे हो, बैठ कर ही उसको इंजॉय कीजिए। हम पूरा रास्ता जा रहे हैं, पूरा मैं आपको व्यू दिखाती जा रही हूँ। हमारे लेफ्ट में घना जंगल है, राइट का व्यू दिखाऊँ तो राइट में भी पूरा घना जंगल है, बीच में रोड बनी हुई है। किसी भी टाइम कोई भी जानवर आपको जंगल के इस रास्ते से गुजरता हुआ दिखाई दे सकता है, रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जब भी कभी ऐसा हो तो अपनी गाड़ी रोक लीजिए, थम जाइए थोड़ी देर, उनको क्रॉस करने दीजिए रोड को, और फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम उनके टेरिटरी में, वो हमारे टेरिटरी में नहीं है, तो हमें उनके रूल के हिसाब पर चलना पड़ता है। तो ये फाइनली हमने अपना पूरा रास्ता कवर करके झिलमिल झील के एरिया में पहुँच चुके हुए हैं, जहाँ पर आप अपना वॉक कर सकते हो और आराम से आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के ही वेटलैंड का एरिया आ जाता है, जो वेटलैंड एरिया के नाम से फेमस है। वहाँ पे आप जाके आराम से नेचर को एंजॉय कर सकते हो। वेटलैंड में आप 3 वॉच टावर बने हुए हैं, जहाँ पर बैठ के, ये देखो झीलमिल झील के बारे में सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आगे अपना सवार कीजिए। तो मैं बता रही थी वेटलैंड एरिया जो बना हुआ, वहाँ पर 3 वॉच टावर्स बने हुए हैं, जहाँ पर बैठ कर या जहाँ पर चढ़ कर आप, थोड़ा सा टावर बने हुए जिस पे चढ़कर आप फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, और जहाँ पे चढ़कर आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो, एनिमल्स को देख सकते हो, क्योंकि वो सेफ होता है, एनिमल्स ऊपर नहीं चढ़ के आ सकते, आप उस पे चढ़ के उनको वॉच कर सकते हो। तो ये पूरा एरिया, ये भी ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर नीचे तक आपको उतर के जाना पड़ता है और वापस चढ़ के आना पड़ता है। ये झिलमिल झील का एरिया है। हालांकि अभी हम जा रहे हैं तो हमें ऐसा झील में इतना पानी दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहने के लिए वेटलैंड एरिया है, झिलमिल झील है, लेकिन कभी कभी बहुत ड्राई भी हो जाते हैं सीज़न आने में, मॉनसून, जैसे कि मैंने बताया था जुलाई अगस्त में ट्रैवल करना या सफारी करनी मुश्किल होती है, क्योंकि सारा ही रेनी सीज़न होता है और पानी भरा होता है और झिलमिल झील भी भरी होती है। इसलिए हम नॉर्मल ऑफ सीज़न में आते हैं ताकि वहाँ पर जाया जा सके। तो ये पूरा एरिया आप विज़िट कर सकते हो, आराम से 2 से 3 घंटे की आपकी सफारी हो जाती है, इतने में आप अच्छे से घूम के आ सकते हो। ऐसा जिसकी कोई टिकट प्राइसिंग नहीं है, जो नॉर्मल रेट लगते हैं सफारी के उसके आप पे कर सकते हो, सिर्फ विजिट करने के कोई चार्जेस नहीं है। ये जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको टाइगर सफारी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, क्रोकोडाइल सफारी प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा एलिफेंट सफारी टूर है और बर्ड वॉचिंग टूर है। तो ये 3-4 अलग अलग तरह के टूर हैं जो आपको करवाए जाते हैं। ये अलग अलग टूर इसलिए करवाए जाते हैं कि कुछ एरिया स्पेसिफिक है जहाँ पर टाइगर और लेपर्ड ही ज़्यादा दिखते हैं, कुछ एरिया स्पेसिफिक है जहाँ पर क्रोकोडाइल ज़्यादा दिखते हैं, कुछ एरिया जो सिर्फ एलिफेंट्स के लिए फेमस है, और कुछ एरिया जहाँ पर सिर्फ बर्ड्स ही देखे जा सकते हैं या उनकी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक भी आपको सफारी करने को मिल जाएगी, जिनके चार्जेस उनके हिसाब से हैं। किसी का 2000 है, कोई 2500 चार्जेस है, कोई 3000 है, दैट डिपेंड्स आप ऑफ सीजन आते हो, ऑन सीजन आते हो, वो आप यहाँ पे आकर इनसे इंक्वायर कर सकते हो और पे कर सकते हो। तो ये सारी आपकी सफारी है। ये फाइनल लैंड है जिसको झिलमिल झील कहा जाता है। ये टावर बने हुए मैंने आपको दिखा, यहाँ से चढ़ के आप ऊपर चढ़ के सेफली आप एनिमल्स को विजिट कर, एनिमल को वॉच कर सकते हो। तो ऐसा जो बिल्कुल सेफ जगह है, आप अपने साथ पूरा आप गैजेट्स लेके आ सकते हो और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप राजाजी नेशनल पार्क में सफारी करने आते हो, चीला रेंज आते हो या मोतीचूर रेंज भी विजिट करते हो, तो साथ में आई वुड सजेस्ट कि कभी आपके पास टाइम हो तो एक दिन आप झिलमिल झील की सफारी भी करने ज़रूर आइएगा। ये भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आपको ऑन रोड हाइनास, डियर, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड भी आप स्पॉट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर